आप पहुँचे हैं हम नाथुला पास में। ये है वो पॉइंट जहाँ जिसको नाथुला बोला जाता है, और ठीक इसके ऊपर चाइना शुरू हो जाएगा। ऊपर हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दिखाएंगे बाकी पूरी जगह आपको हम दिखाएंगे। बहुत अल्टीमेट जगह है, काफ़ी भीड़ भाड़ है इस वक्त यहाँ पे। तो अभी हम आ पहुँचे हैं नाथुला पास। नाथुला पास वही जगह है जहाँ हिंदुस्तान खत्म हो जाता है, इसके बाद चीन शुरू हो जाता है। यहाँ वो सीढ़ियाँ बनी हुई है जिस रास्ते से होकर हम आपको लेकर जाएंगे चीन तक। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। ऐसी ही बहुत सी जानकारी इस एपिसोड में हम आपको देंगे, तो इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा। यह है नाथुला का टैक्सी स्टैंड। यहाँ की टैक्सी आपको ड्रॉप, वैसे ड्रॉप तो आपको ऊपर करेगी, यहाँ पर आकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। जब वापस आप लोग जाएंगे तो यहाँ आपको टैक्सी मिलेगी। यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया उनको? हाई एलिवेशन पर आने के बाद कुछ इस तरह की परेशानी होने लगती है, जिसमें चक्कर आना, ब्रीथलेसनेस, वोमिटिंग, सर दर्द। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाए वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नाथुला हिमालय पर्वत का वो पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और चीन के दक्षिण में यानी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास मौजूद है। भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस 5 जुलाई 2006 को नाथुला पास को व्यापार के लिए खोल दिया गया। यह है नाथुला, 14,140 फीट की ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं। ऊपर पूरा नाथुला है जहां इंडियन आर्मी के बंकर बने हुए हैं, और ठीक एक ऐसी दीवार के पीछे तार लगे हुए हैं, उनके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। ये जो ग्रीन शेड आप देख रहे हैं ना, इस ग्रीन शेड के ठीक ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ठीक पीछे चाइना शुरू हो जाएगा। वो आप अपनी आंखों से देखेंगे जब आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत अल्टीमेट जगह है, चाइना के ऑफिस भी वहाँ पर बने हुए हैं, तो वहाँ चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। काफ़ी टूरिस्ट इस वक्त यहाँ मौजूद है। 1962 तक नाथुला पास के बंद किए जाने से पहले कई तरह के सामान जैसे कि पेन, घड़ियां, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण की सामग्री इसी नाथुला पास से होकर खच्चरों के पीठ पर लाद कर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर जाते थे और एक खच्चर पर करीब 80 किलो सामान लाद कर गैंगटोक से ल्हासा को भेजा जाता था, और उसके बाद तिब्बत के लिए रवाना किया जाता था। नाथुला पास होकर ही वो खच्चर जाया करते थे। करीब 20 से 25 दिन का समय लगता था, और जब ये खच्चर वापस भारत लौटते थे तो उनके साथ रेशम, ऊन, कस्तूरी, औषधीय पौधे, वहाँ की स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोने और चांदी के बने सामान भारत के लिए भेज दिए जाते थे। लेकिन भारत चीन के युद्ध के बाद 1962 के बाद नाथुला पास को बंद कर दिया गया। साल 2005 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन दौरे पर गए तो नाथुला पास को खोलने के लिए बातचीत की गई, और साल 2006 में 5 जुलाई के दिन नाथुला पास को फिर खोल दिया गया। आज भी यहां पर व्यापार किया जाता है। सोमवार और मंगलवार को यहां पर टूरिस्ट के
जाने पर रोक है, उसी दिन यहाँ व्यापार किया जाता है। बाकी दिनों में भारतीय नागरिक नाथुला पास देखने के लिए जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। भारतीय नागरिकों को भी गैंगटॉक से पहले एक परमिट बनवाना पड़ता है। हालांकि साल 2006 में व्यापार खुलने के बाद भी यहाँ कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2006 में 51 दिनों के व्यापार में मात्र $186,250 का ही व्यापार हो पाया। इसके अलावा नाथुला दर्रा खास तौर पर उन तिब्बती तीर्थयात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रसिद्ध और पवित्र माने जाने वाले बौद्ध मठ में से एक रमतेक मठ की यात्रा करना चाहते हैं। और हिंदुओं के लिए भी नाथुला पास कैलाश मानसरोवर झील की यात्रा के समय को 15 दिन से घटाकर 2 दिन कर देता है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है। वैसे हम आपको उन सीढ़ियों पर लेकर चलेंगे जो सीधे भारत से चीन की तरफ जाती हैं। उस एंड पॉइंट तक आपको लेकर चलेंगे जहाँ से हम आपको बेहद नजदीक से चीनी बिल्डिंग दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। तो एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हम चाहते थे कि हमारा सिक्किम टूर बिना किसी परेशानी के हैजल फ्री हो जाए, इसलिए हमने यह टूर आराध्या टूरिज्म से बुक किया। अब सारा अरेंजमेंट टूरिज्म वाले करेंगे, चाहे टैक्सी हो, होटल हो, या साइट सीन करना हो, या फिर परमिट से संबंधित कोई बात, क्योंकि ये कोई सिटी टूर तो है नहीं, ये एक स्टेट टूर है। पूरा सिक्किम हमें घूमना है, तो ऐसे में अगर हम खुद से ही घूमने निकल जाए तो काफी परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमने टूर आराध्या टूरिज्म से बुक किया। अभी तक बहुत अच्छी सर्विस रही है और एक्सपीरियंस भी अभी तक बहुत शानदार रहा है। अगर आप भी सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आप भी आराध्या टूरिज्म से टूर बुक कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उनको कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, टूर बुक कीजिए और सिक्किम घूमने के लिए निकल जाइए। नाथुला पास में एंट्री हो गई हम लोगों की, नाथुला गांव में। एक्चुअली कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। काफी ऊंचाई पर आ गए हैं, बर्फ काफी है यहाँ पे अभी। यहाँ देखिए बर्फ है काफी ज्यादा, आराम से ब्लैक आइस एकदम जमी हुई है, पैर स्लिप हो जाएगा। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ना, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही हमें हिंदुस्तान से चीन तक लेकर जाएगा। रास्ते पर इस वक्त काफी ज्यादा बर्फ दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ इंडियन आर्मी की तैनाती है। बहुत सुरक्षित तरीके से टूरिस्ट को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाती है। ये छोटे सा रास्ता, ये पतली सी सीढ़ियां ही हमें चीन की ओर ले जा रही हैं। हम आपको वो एंड पॉइंट दिखाएंगे जहाँ चीन की सीमा शुरू हो जाती है। वहां दूर दूर तक पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फ है और अभी हिंदुस्तान की सीमा में हम लोग अभी मौजूद हैं। बर्फ इस कदर ज्यादा है कि लोग यहाँ पर बर्फ में खेल रहे हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव जगह है। यहाँ चारों तरफ इंडियन आर्मी तैनात है, बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है। एक तो एलिवेशन ज्यादा, लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है। 14,140 फीट की ऊंचाई पर है और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ ज्यादा समय लोगों को रुकने नहीं दिया जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ से हम सीधे आपको चीन की सीमा दिखाएंगे, चीन के वो बिल्डिंग दिखाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं सीढ़ियां चढ़कर टॉप व्यू पॉइंट पर, और जो सामने ग्रे कलर की बिल्डिंग है ना, ये चीन में है, और जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये हिंदुस्तान है। चलिए थोड़ा और करीब आपको लेकर चलते हैं। सामने हमारा देश का तिरंगा लहर रहा है, चारों तरफ काफी ज्यादा टूरिस्ट हैं, बर्फ यहाँ पड़ी हुई है, और ये जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान है। इंडियन आर्मी जगह जगह तैनात है, और ये जो तार आप लोहे का देख रहे हैं ना, इस लोहे के तार के पीछे जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये चीन है, इधर हिंदुस्तान। तो इतने करीब से हम चीन को यहाँ देख पा रहे हैं। एयर कंडीशन वहाँ बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले जो हम यहाँ व्यू देख रहे हैं ना, वो सच में लाजवाब है। जब आप लोग आएंगे ना तो आप भी यहाँ एक अनोखे देशभक्ति के रंग में रंग जाएंगे।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और नज़ारे आपको दिखाएंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन नाथुला पास से जुड़ी आपको देंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। चाइना, वो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो चीन में है, बादल आने वाले आ रहे हैं, दुश्मन की तरफ से बादल आ रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, बस फोटोग्राफी नहीं करने दे रहे ना वीडियो ना फोटो, बट बहुत ही अल्टीमेट जगह है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए ये दीवार है ना, तो इस दीवार के इधर चाइना है, ऐसा ऊपर है, वो देखने के लिए मिलेगा आपको। वहाँ वीडियो अलाउ है नहीं, फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते, तो हम नहीं दिखा पाए। जब आप आएंगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहेगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, यही आगे कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है, लेकिन कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता, स्पेशल एक परमिट बनवाना पड़ता है तभी आगे जाया जा सकता है, और वो भी तब जब कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली होती है। फिलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं ये है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से करीब 55 किलोमीटर दूर नाथुला। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमारा नाथुला पास आने के बाद हुआ है। तो फाइनली पूरा नाथुला कवर करके हम लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों को जितना हम दिखा सकते थे हमने दिखाया, और कुछ मेमोरी के तौर पर देखिए ये सर्टिफिकेट हमें मिला है, दो तरह के सर्टिफिकेट हैं इसमें नाथुला, और यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप पिक्चर क्लिक करके, और ये सर्टिफिकेट ऑफ विजिट, यहाँ पर आप अपना नाम साइन ऑलरेडी हो चुके हैं, और इसको आप मेमोरी के तौर पर फ्रेम करके अपने घर में रख सकते हैं कि हाँ भाई मैं भी नाथुला पास गया था। होकर आ रहा हूँ, तो ये मेमोरी आप अपने साथ रख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 120 रुपये का, और ये सब कंट्रोल में आता है इंडियन आर्मी के, ठीक है, अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक ऐसी अल्टीमेट चीज़ है जो कहीं नहीं मिलती है ना। तो हमेशा हम कोई भी चीज़ कहीं जाते हैं तो मेमोरी के तौर पर ऐसी चीज़ें ज़रूर परचेज करें, इससे दो फायदे हैं, एक तो आपने मेमोरी के तौर पर इतनी अल्टीमेट चीज़ ले ली जो कहीं नहीं मिलेगी, और दूसरा आपने कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी सपोर्ट किया। ये नाथुला का पास अब कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको सिर्फ नाथुला आना पड़ेगा, नाथुला पास आना। भीड़ भाड़ तो आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है, और एक बात और बताऊँ ना, यहाँ जो जयकारे लग रहे हैं ना भारत माता की जय के, बस मैं क्या बताऊँ आपको, मैं उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे आपको। ठंड में तो रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, लेकिन जब भारत माता की जय के जयकारे लगते हैं ना, तो जब रोंगटे जो खड़े होते हैं वो बस वो क्या बड़े लाज, देश भावना एकदम जागृत। चीन को इतना करीब से देखा है, चीन की वो बिल्डिंग्स हमने देखी है जो चीनी भाषा में लिखा हुआ था, तो बस बहुत बहुत लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, वो नाथुला पास आके हमें मिला है। ये देख लीजिए एक बार फिर से वो सीढ़ियाँ जो हिंदुस्तान से चाइना की ओर जाती हैं। नाथुला पास को पार करकर अगर चीन में जाया जाए ना, तो नाथुला से याडोंग तक जाना होगा, और याडोंग से कंगमार तक जाना होगा, और चीनी सरकार ना वहाँ रेलवे को लाने वाली है, यानी याडोंग तक वो रेल मार्ग तैयार कर रहे हैं, यानी नाथुला से कुछ ही दूरी पर चीन में रेल मार्ग शुरू हो जाएगा। और वहीं भारत की अगर बात करें तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन अभी न्यू जलपाईगुड़ी है, और भारतीय सरकार दार्जिलिंग जिले में स्थित सिवोक से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक तक रेल मार्ग को लाना चाहते हैं, और गैंगटोक से नाथुला की दूरी करीब 55-56 किलोमीटर है, तो ऐसे में रेल मार्ग से भी काफी हद तक भारत और चीन जुड़ जाएगा। तो फाइनली नाथुला पास हो गया, नाथुला गांव हमने घूम लिया, आपको भी दिखाया, अभी वापस चल रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, टैक्सी लेंगे अपनी, और वही टैक्सी हमें कवर करा रही है सारा, वही टैक्सी हमें सब चीज़ें कवर कराएगी, पैकेज में है हमारा सब कुछ इंक्लूड, और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाएंगे और छंगू लेक कवर करेंगे अब हम। बहुत अच्छा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, वो नाथुला आगे हमें हो गया। बिल्कुल, बहुत अल्टीमेट जगह है, और जैसे सिक्किम दिल्ली से इतना दूर है तो हमने सोचा इतना दूर जा रहे हैं तो कुछ यूनिक मिले मिलेगा कि वो नहीं मिला, वाकई में यूनिक है। हम बारालाचा पास गए, हम जलोड़ी पास गए, हम मोस्ट डेंजरस सांच पास गए, लेकिन अगर मैं कहूँ नाथुला पास की तो थोड़ा सा
ऊपर की लेवल पर आपको यहाँ पर देख, मतलब फील मिलेगा। जो चाइना को हम इतने नज़दीक से देखते हैं, सामने चाइना की बिल्डिंग देखते हैं, लैंग्वेज चाइना की हम पढ़ते हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल वो जो एक्सपीरियंस है वो भाई साहब लाजवाब, हिंदुस्तानी होने पे गर्व हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। चलिए चलते हैं, टैक्सी यहीं कहीं खड़ी होगी हमारी, टैक्सी मिल गई हमें, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब स्कॉर्पियो बोलेरो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाथुला से, बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाएंगे और चांगू लेक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ नाथुला पास का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हिंदुस्तानी होने के नाते कम से कम एक लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नाथुला पास का वर्चुअली हमारे साथ। और अगर आप पहले नाथुला पास आए हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आगे हम आपको सिक्किम की कुछ दूसरी जगहों पर लेकर चलेंगे, नाथुला पास से छांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर और भी बहुत अल्टीमेट जगहों पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, शुरू से इस सीरीज को देखिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।